दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर भारत में नहीं बल्कि कहीं और है? आखिर यह मंदिर किसने बनवाया है और कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। दुनिया के कई देशों में प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। एक ऐसा देश है जहां दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर और सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वहां पर कोई भी हिंदू नहीं है। इस देश के झंडे का चिन्ह भी हिंदू का एक मंदिर है। हिंदू धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म है जो सबसे प्राचीन माना जाता है। हिंदू धर्म 12,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। हिंदू धर्म में मूर्ति का पूजा और ध्यान का विशेष महत्व है। इस बात के कई सबूत है कि दुनिया के कई देशों में सबसे पहले सनातन धर्म ही था। दोस्तों, अंकुरबाट मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। इसके अलावा यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक भी है। यह कंबोडिया देश के अंकुर में स्थित है। अंकुर सिमरिप शहर के मिकांग नदी के किनारे स्थित है। यह सैकड़ों वर्ग मील में फैला है। यह भगवान विष्णु का मंदिर है। यहाँ पर पहले के शासकों ने बड़े बड़े भगवान शिव के मंदिर का निर्माण करवाया था। इसका पुराना नाम यशोदपुर था। राजा सूर्यवर्णम द्वितीय के शासनकाल 1112 से 1153 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। इस मंदिर के चित्र को कंबोडिया के राष्ट्र ध्वज में छापा गया है। दुनिया के सबसे प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में यह शामिल है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है, लेकिन 100% हिंदू धर्म को मानने वाले हिंदू कहाँ चले गए? कंबोडिया में दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो है, लेकिन वहाँ कोई भी हिंदू क्यों नहीं है? इतिहास के मुताबिक यहाँ लोगों ने दूसरे धर्म को अपना लिया है। वर्तमान में इस देश में गिनती के हिंदू बचे हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर इसी देश में है। दक्षिण पूर्व एशिया का एक प्रमुख देश है कंबोडिया, और यहाँ की जनसंख्या 1.7 करोड़ है। ईस्ट एशिया में पहले भी 5,000 से लेकर 1,000 वर्ष तक पुराने मंदिर की खोज की गई है। इन रिसर्च में भारत की प्राचीन वैभवशाली संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। वैज्ञानिकों ने यह स्वीकार किया है कि हजारों साल में समुद्र का जल स्तर करीब 500 मीटर तक बढ़ा है। इससे यह साबित होता है कि राम सेतु, द्वारिका नगरी जैसे स्थान आज भी मौजूद है, और इससे जुड़े पात्र भी सच है। बताया जाता है कि सालों पहले कंबोडिया में हिंदू धर्म था। पहले इसका संस्कृत नाम कंबुज या कंबोज था। कंबोज की प्राचीन कथाओं के मुताबिक उपनिवेश की नींव आर्य देश के राजा कंबुज सयाबुक ने रखी थी। भगवान शिव की प्रेरणा से राजा कुंभ सयाबुक कंबुज देश आए। उन्होंने यहाँ की नाग जाति के राजा की मदद से इस जंगली मारुस्थल पर राज्य बनाया। नागराजा की अश्रुत जादूगरी से मारुस्थल हरे भरे सुंदर प्रदेश में बदल गया। कथाओं के मुताबिक कुंभ ने नागराजा की कन्या से शादी कर ली और कुंभज राजवंश की नींव डाली थी, लेकिन यहाँ पर विदेशियों की नजर पड़ी और उन्होंने यहाँ के रहने वाले हिंदू लोगों को तलवार के दम पर धर्म परिवर्तन करा दिया। यहाँ के लोग अभी भी दिल से खुद को हिंदू मानते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आप इंडिया से, कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर से लिखना।